ये लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता गोली रुक जाए और रोकोगे रोकोगे जब तक किसी के रुकने से ना रुके। जैसे मदन ने कहा बात अंगारे की कौन ख्याल रखेगा, बात तो चिंगारी की है, वो तो चिंगारी जिंदा है। मैं कल रात को कृष्ण जी की कविता पढ़ रहा था, मुझे लगा हमारे आपके इस अनुभव से बिल्कुल सचेत बैठती सुना दो। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी से ऐसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेरा लगेगा यहाँ पर हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मारे तुम्हारे विषय में, जो रास्तों में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा। मेरे लिए बहुत मीठे अनुभव रहे व्यक्तिगत तौर से। ये चुनाव मैं हमेशा याद रखूंगा, हमारे दल के कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, वे भी हमेशा याद रखे। तीन गांव में तो मैं हर गली हर घर तक पर्ची बांटने गया, हर मतदाता से उनके परिवार से बातचीत करने का मौका मिला और मुझे एहसास हुआ इस बात का कितना बड़ा प्यार आज भी लोगों के मन में दिल में है। और मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब ये कारोबार रुकेगा नहीं। हमने जो सीख ली है, जो प्रेरणा ली है आपसे, उसे पूरे प्रदेश में जमला जामा को बनाकर हमें लोगों के बीच जाना है। और मैं घोषणा करना चाहता हूँ उस मन से, नए साल के बाद समरसता अभियान के नाम से राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गांव में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।